हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो मैंने इवनिंग के टाइम से स्टार्ट किया है। इवनिंग क्या, शायद शाम ही होने वाली है, मतलब रात। तो यहाँ पर ये शाम के बर्तन, दोपहर के बर्तन थे, तो ये बाहर रखे हुए थे धुलकर मैंने, तो ये सूख गए हैं तो उनको मैं अपनी जगहों पर जमा दे रही हूँ, उनकी जगह पर। तो ये जितने मतलब खाली हो जाएगा ये बर्तन की टोकनी, क्योंकि अभी थोड़े बहुत शाम के जो बर्तन हुए हैं अभी चाय वगैरह के, और ये तो ये दोबारा से अब मुझे फिर से मतलब अभी शाम के बर्तन धोने पड़ेंगे। बर्तन का काम मेरा मतलब दो तीन बार हो ही जाता है, दो तीन बार मैं धो लेती हूँ, सुबह भी शाम को और दोपहर में भी धुल जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा इकट्ठा ही बर्तन इकट्ठे करूँगी पूरा दिन भर सुबह का और शाम का तब जाके धोती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं सारे बर्तन मतलब जितने भी होते जाते हैं धुलते जाती हूँ। तो इसमें क्या है, टाइम मतलब है ना कम भी वो लगता है और काम भी होता जाता है। काम करते करते मुझे प्यास भी लगाई थी तो मैंने पानी भी पी लिया है यहाँ पर। और अभी ये गैस जो है ना किचन में साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे रात का खाना बनाना पड़ेगा और जब तक गैस साफ़ नहीं होगी तो फिर मुझे मन नहीं लगेगा खाना बनाने में। अब मैंने सोचा इतना साफ़ कर दी हूँ, ज़रा फ्रिज का ये पूरा है ना ऊपर का, इसको कितने दिनों से मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया है। रोज़ तो मैं ऐसे डेली कपड़ा ऐसे मतलब पोंछती रहती हूँ, ये जो डोर है मतलब फ्रिज वाला वो बस कर देती हूँ ऐसे सामने, बाकी ऊपर जो चीज़ें रखी होती हैं ना वहाँ पर नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने हफ्ते भर हो गए तो मैंने सोचा अभी ये सारी चीज़ें हटाकर इसको भी कर देती हूँ ताकि साफ़ हो जाएगा। और अभी तो मेरी दिवाली की तैयारी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुई है सच में। मतलब मेरा काम ना ऐसा है कि देखिए दिवाली की सफाई, अब मैं उसी छुट्टियां मिलती हैं ना दिवाली की मेरे काम की, तभी मैं कर पाती हूँ। और मुझे तीन दिन ही रहते हैं, मुश्किल से तीन दिन दिवाली तक ही जोड़ के, तो तीन दिन में मुझे पेंट से ले कर पूरी सफाई तक निपटाना पड़ता है। तो तीन दिनों में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन रात भी बहुत हो जाती है, रात रात भर करना पड़ता है, तब जाके ही मेरे दिवाली की क्लीनिंग हो पाती है। ऐसे में पहले से मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन इस साल से मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि घर के भी काम, फिर अपने खुद के भी काम और यूट्यूब का भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, फिर ना मतलब फिर मूड भी ख़राब हो जाता है इतना सारा काम देख के करके। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इस बार 10 दिन से स्टार्ट, मतलब 10 दिन बचेंगे उसके पहले से स्टार्ट कर दूँगी। तो डिब्बा डिब्बी तो जो है मेरे, आप लोग तो जानते ही हैं, जो भी डिब्बा खाली होता है मैं उसको मांझ देती हूँ, अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना पेंट करने में और सारी चीज़ें अच्छे से जमाने में लगता है। तो ये पलंग वलंग हटा कर इनको करो ना तो बहुत टाइम लग जाता है, तो बस उसी के उससे मैं सोच रही हूँ कि करना स्टार्ट करूँगी, पर अभी सोचा नहीं कब से करूँगी, देखते हैं कब क्या हो पाता है। ये कपड़े उठाकर लेकर आई थी तो इनको भी मैं फोल्ड कर दे रही हूँ। और आप लोग मतलब बहुत से लोग जो हैं बहुत अच्छे अच्छे मुझे बताते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे मतलब समझाते हैं कि मैं जो मतलब है ना बहुत से नेगेटिव कमेंट आते हैं। देखिए पता नहीं क्यों ना, देखिए मैं तो ऐसे कर भी नहीं रही हूँ ना कि बकवास या कैसी भी वीडियो कुछ भी बना रही हूँ, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता, मुझे खुद समझ नहीं आता तो ऐसे बोल देते हैं। वैसे आप लोगों ने कहा है कि मैं नेगेटिव कमेंट पर ध्यान ना दूँ, उन पर ज़्यादा मतलब ध्यान ना दूँ और वीडियो भी ना बनाऊँ, वैसे मैंने नहीं बनाया है और अब मैं सोचूंगी भी नहीं। वैसे सही कहते हो आप लोग, अपना दिमाग और ख़राब करो इन नेगेटिव कमेंट के कारण, तो अब मैं ये सब सोचना ही बंद कर दूँगी। हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी? तो देखिए सारा काम जो है अभी शाम का इवनिंग का हो गया है, और थोड़ी बार मैंने कुछ खा पी लिया है, मतलब वही जो रखे थे, और मेरे बाल तो देखो ऑयल किया था ना इसीलिए थोड़े पता नहीं क्यों फैल रहे,
तो कपड़े वगैरह जमा लिए, झाड़ू लग गई, सब कुछ हो गया, किचन भी साफ हो गई। और ये देखिए, ये मैंने है ना, जब मैं वहाँ से आती मतलब कंपनी से, तो कुछ कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं। ये 10 रुपये की इतनी सारी सेवैयाँ हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी दूध के साथ बनाओ मीठी वाली। और पता है क्या हुआ, सुबह लेकर आई थी मैं, लेकिन मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था और मैं भूल ही गई थी कि मैं कोई चीज़ लेकर आई हूँ। तो अभी अभी मेरे हस्बैंड ने आज अपनी जॉब पर गए हैं, तो वहाँ गाड़ी में रखी होगी, मैंने डिक्की में डाल दी थी, तो उन्होंने भिजवाई है कार्तिक के यहाँ से। और ये देखिए, ये वाली बिस्किट काजू वाली, ये बहुत पसंद है कार्तिक को, ये भी मैंने 10 रुपये में ली है। दोनों चीज़ें 10-10 रुपये की ली हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये तो मैं नाश्ते में बनाऊँगी, बहुत सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है, इतना बढ़िया टेस्ट आता है। इसलिए मैं रोज़ जाती हूँ ना, इसलिए ज़्यादा ढेर सारी नहीं लाई हूँ, वो भी लगभग मेरे को 3-4 दिन आराम से चल जाएगी, इतनी सारी देख रही हैं। तो क्योंकि मीठी चीज़ ना हम दोनों ही खाते हैं, कार्तिक ना बिल्कुल पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों, कभी कभी खा लेता मूड के हिसाब से, नहीं तो वो खाता ही नहीं है मीठी चीज़। और कार्तिक देखिए, मैं आप लोगों को बताने भूल गई थी, कार्तिक दशहरे से क्या लाया है। ये जलती भी है, लाइट जलती है, पता नहीं कैसी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ना, ये देखिए, लाइट जलती है, मतलब अंधेरे में ना बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सींग है ये भैंस के सींग, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये लिया रहा, और एक तलवार ली थी, बहुत शौक है उसको तलवार गदा वदा जो भी है वो लेने का, तो उसने लिया, खेला तो ज़्यादा नहीं है, 1-2 दिन बस, जिस दिन लाया उसी दिन रात में भर घूमता रहा लगा के खेला है, उसके बाद से उसने 2 दिन तक बिल्कुल नहीं उठाया, ऐसा है कार्तिक का नाम। और अभी गया है वो देखने के लिए। हाँ, आज आप लोगों को मैं बता दूँ, आज है हमारे यहाँ का दशहरा, काली जी का दशहरा, पूरी माता काली, काली जी माता आएंगी आज, जितनी भी होंगी सब जगह। तो आज हमारे यहाँ का दशहरा अभी से स्टार्ट हो गया, शायद आवाज़ भी आ रही है, और इसमें आवाज़ ना हो जाए इसलिए मैं मतलब है ना आवाज़ ना बंद करके ही बना रही थी। और अभी बज गया शाम, रात के शाम के 7 हो गए, तो बस मेरा काम जो है फटाफट से हो गया, मैं खाना भी फटाफट से बस जल्दी जल्दी से बना के रख देती हूँ, क्योंकि मैं भी आज देखूँगी थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है अपने यहाँ का कोई चीज़ के लिए देखने के लिए। चलिए, ये कार्तिक की दवाई, पता है फिर से उसको अचानक से पता नहीं क्या हो गया है, तो ये बॉटल है जो डॉक्टर साहब ने दी है, तो ये रात की रात पीता है कार्तिक। तो चलिए अब काम कर लेते हैं, खाना क्या बना रही देखती हूँ अभी, पहले तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई ना, काम करते करते भाग भाग कर काम किया ना, तो गर्मी लग रही, अभी जा रही हूँ नहाने फटाफट से। हेलो एवरीवन, और अब मैं फुर्सत हो पाई हूँ, अब मैं नहा धोकर आई हूँ, और पता है 9:30 बज गए, मैं सोच रही थी जल्दी हो जाए लेकिन नहीं हो पाया, फिर काम करने गई ना, तो फिर मैंने सोचा कपड़े भी धो ले रही हूँ, तो फिर मैंने सारे कपड़े भी धो डाले, कल की टेंशन ख़त्म, क्योंकि कल का काम ना मैंने आज कर लिया, और आज का काम कल करूँगी, क्योंकि मेरा आटा बच गया है, बन नहीं पाया, तो उसको कल बनाऊँगी, और कल के जो कपड़े धोने थे वो मैंने आज धो लिए, क्योंकि संडे का काम मैंने फिर आज ही कर लिया। अब मैं बनाने जा रही रोटी, क्योंकि ये भी आने वाले हैं, तो रोटी मुझे बस सेकना है, क्योंकि सब्जियां रखी हैं, सुबह की सब्जी रखी हुई है, तो वो हो जाएगी हम लोगों को, दोनों जन को, कार्तिक ने खा लिया है खाना, तो बस फटाफट से बनाते हैं रोटी। तो देखिए, यहाँ पर नहा धोकर मैं बस रोटियाँ बस मुझे सेकनी है, क्योंकि सब्जी रखी हुई है थोड़ी सी, तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, हम दोनों को हो जाएगी। अच्छा, एक और बात आप लोगों से कहनी है, मतलब जो मैंने एक और सेकंड चैनल खोला है ना, तो मतलब वही वाली बात हो गई ना, मैंने कितना लुका छुपा कर मैंने बनाया, मतलब वो चैनल खोला और वीडियो बना रही थी उस पर, पर आप लोगों को आखिर पता चल ही गया, क्योंकि कुछ लोग मेरे इस चैनल पर से वहाँ पर भी देखते हैं, और उनको कैसे पता चल गया मुझे भी नहीं पता। थैंक यू सो मच जो भी मेरे उस वाले चैनल को भी देखते हैं, इंडियन ब्लॉगर कशिश।
अब पता चल ही गया है तो फिर बस आप लोगों से एक ही निवेदन करूँगी, फटाफट से मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उस वाले चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, मैं उसमें रख दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को उस चैनल पर भी वीडियो बहुत पसंद आएंगे। और आप लोग एक बार चेकआउट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और जिन्होंने करा है उनको थैंक यू सो मच, सच में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने मतलब करते हो, देखते हो, उतना सपोर्ट करे हो, थैंक यू सो मच। तो चलिए देखिए यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन ही गई हैं, खाना हम लोग खाएंगे, इसके बाद बस मेरा कोई काम नहीं है, सारा सब कुछ हो गया है। बस ये है कि थोड़ा खाना पीना का जो बर्तन रहेगा वो बस मेरे धुलने को रहेंगे, और वो भी मैं अभी मतलब खाने पीने के बाद करके और रख दूंगी, और किचन भी साफ़ करके रख दूंगी, क्योंकि अगले दिन से फिर मतलब कार्तिक की स्कूल भी स्टार्ट होने वाली है। इतने दिन से छुट्टियां थी ना, तो बस स्कूल भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक